तो वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले जो है हम खाली पेट लेंगे, गुनगुना पानी है, एक चम्मच शहद है और इसमें जो है एक नींबू या आधा नींबू जो है इसमें आप मिक्स करेंगे और इसे जो है खाली पेट लेंगे। वो भी बैठ कर लेना है, मतलब खड़े खड़े नहीं लेना है, या तो सोफे में बैठ सकते हैं या तो इस तरह से बैठ सकते हैं जैसे कि मैं बैठी हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और वेट लॉस करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी जो है मेरा वेट बढ़ गया है। बीच में मैं करती थी लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था और अभी जो है मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर मैंने कपड़े जानबूझ के थोड़ा सा टाइट पहने हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं कितनी मोटी लगती हूँ। तो इसको पीने के बाद जो है थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। वर्कआउट करने से पहले इस तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, हाथ देखिए। और अभी जो है मेरा 73 kg है, तो अभी इसको हम जो है कम से कम 15-20 दिन के बाद फिर चेक करेंगे, तो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी जो है मेरे साथ शुरू कीजिए। और तो मैं तो अपना वेट लॉस जर्नी जो है शुरू कर चुकी हूँ, तो आप लोग भी शुरू कीजिए और ठान लीजिए मन में कि अगर आप मोटे हैं तो पतले होके रहेंगे। और जो है पानी इस दौरान खूब पिए, चाहे गुनगुना पानी पिए चाहे सादा पानी पिए, तो इस दौरान आप पानी भी पीते रहिए। सामने देखिए मैंने 2 बॉटल रखी हुई है, एक में तो गुनगुना पानी और नींबू डाल के रखा है और एक जो है प्लेन वाटर है, तो इसको हम पीते रहेंगे बीच बीच में। सुबह में कम से कम 4-5 गिलास या 5-6 गिलास पानी के पी लेती हूँ इस दौरान, और उसके बाद जो है ना मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह सब करती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी पसीना आ रहा है और यहाँ पर पानी भी पीते रहना। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितना पसीना आया है। ये स्टेप आपको ऐसे लग रहे होंगे कि बिल्कुल छोटे हैं और इससे वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये बॉडी में बहुत ही पावरफुल काम कर रहा है। मेरे जो है 1-2 दिन से बहुत दर्द हो रहा है पूरे बॉडी में, और इस तरह से आप शुरुआत करते हैं ना जब, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। 1 घंटे कम से कम मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद जो है घर का काम करती हूँ। और जो है खाना पीना तो मेरा थोड़ा सा हल्का सा डाइटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बाहर से कुछ खरीद के पी रही हूँ। खाने पीने के ऊपर से मैं बाद में भी बनाऊँगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। फिलहाल जो मैं ये वर्कआउट कर रही हूँ, ये मैं आज की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है। Thank you.
और आप चाहे इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, और आप चाहे मतलब कोई डांस या मनपसंद जो गाना लगा दिया उस पर भी आप डांस कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए गाने चल रहे हैं ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसमें भी स्टेप कर सकते हैं। तो कैसे भी करके आप जो है वर्कआउट कर सकते हैं या डांस भी कर सकते हैं। डांस भी बहुत पावरफुल रहता है सुबह सुबह करने पर। तो ये देखिए मैं अलग अलग वीडियो लगा रही हूँ, जो भी मुझे पसंद आ रही है मैं वही लगाती हूँ। थोड़ा सा जो है वर्कआउट किया, थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा मतलब इस तरह से बॉडी को हिलाना डुलाना, तो इस तरह से ही होता है। जो भी वर्कआउट मैं यहाँ पर कर रही थी वो आराम से कर रही थी, इतने स्पीड पे नहीं, मगर तो मैंने वीडियो को स्पीड में किया हुआ तो ऐसा लग रहा है। तो थोड़ी देर मैं इसमें भी करती हूँ, और थोड़ी देर जो है साइकिल में भी करती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में मैं जो है वर्कआउट करती हूँ। थोड़ा सा बैठ गए, पानी पी लिया, और जो है फिर जो है अपना वर्कआउट शुरू किया। तो ऐसे करके तो मुझे लगता है कि भाई वेट लॉस तो होने ही वाला है। आपको कम से कम आधा या एक घंटा तो देना ही पड़ेगा अपने लिए। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया है, और पसीना देखिए आप, पसीना इतना पसीना मतलब आना चाहिए देखिए। तो थोड़ा सा बैठ लेना चाहिए बीच में, जो पानी है वो ही पीते रहना है 10-15 सेकंड का, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, और उसके बाद जो है अपना वर्कआउट करना है। तो मैंने किया था 7:30 बजे से स्टार्ट किया था मैंने, और 1 घंटा हो गया है। जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपको लगता है कि और करूँ मैं, और करूँ, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन क्या है ना, हम घर गृहस्थी में, तो अभी जो है काम भी सारा पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, नाश्ता बनाना है, नहाना है, पूजा करना है, मतलब कितना काम होता है सुबह के समय, है ना। तो ये सब अभी मुझे काम करना है, ये मतलब 1 घंटा आधा घंटा जितना भी आपको टाइम हो रहा उतना काम करो, और उतना जो है वर्कआउट करो, उसके बाद जो अपना घर का काम करो। अपना घर का काम बहुत ज़रूरी है। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, और जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो उसके बाद जो है जितना मैंने वर्कआउट किया है ना, इतना पसीना, इससे दुगना पसीना आता है। अब सारा काम पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले अब मैं जो है काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद नहाना, और उसके बाद जो है पूजा करना, उसके बाद जो है नाश्ता होगा। तो चलिए जो है मैं काम स्टार्ट करती हूँ।